जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से अपने व्यापार में या नौकरी जो भी आप करते हैं उसमें उन्नति और तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार अपने साथी कर्मचारी को अपने वश में कर सकते हैं। ये हर राशि वाले व्यक्तियों के लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो इस सब को जानने के लिए अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपके आपके परिवार वालों के लिए पड़ेगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। चलिए नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। प्रिय भक्तगणों, आज है 10 अप्रैल सन 2021 विक्रम संवत 2077। परमपिता परमात्मा के द्वार जो आप सभी लोगों के लिए आज खुलने वाले हैं वो लेट मॉर्निंग में खुलेंगे, यानी आज की जगह कल खुलेंगे। वो समय होगा अर्ली मॉर्निंग का, 3:43 से लेकर 5:28 तक का समय रहेगा। इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा को प्रणाम अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ कृष्ण पक्ष के इस दिन, आज के दिन जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 10:58 से लेकर 12:49 तक रहने वाला है। इस समय पर आप अपने सभी शुभ कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग जादू टोना टूटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 9:13 से लेकर 10:48 तक, या 1:59 से लेकर 3:34 दोपहर का समय। इस समय पर आप जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि को प्रारंभ कर सकते हैं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र सितारे, आइए सबसे पहले इसी पर हम नजर डालते हैं। मंगल देवता राहु महाराज के साथ अंगारक योग बनाते हुए वृष राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि में केतु महाराज वक्री दृष्टि से चलते हुए, वक्री चाल चलते हुए, वक्री दृष्टि से हम सबको देखते हुए विराजमान है। मकर राशि में शनिदेव महाराज विराजमान है, आज वो अकेले हैं। बहुत समय से कोई ना कोई उनके साथ बना हुआ था, आज बहुत समय पश्चात वो अकेले हैं। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, बुद्धदेव सूर्यदेव और शुक्र देवता ये सभी मीन राशि में ही विराजमान है। यहाँ बुद्ध देवता नीच का प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि वो मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। आज चंद्र देवता मीन राशि में विराजमान है। तो ये सभी ग्रह हमारे अपने कर्मों के आधार पर ही हमें शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब हमारे पाप या पुण्य का घड़ा भर जाता है तो वो छलकता है, तब हमें सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। या अगर इस जन्म में नहीं हो पाती तो वो अगले जन्म में हमें राजा जैसे किसी परिवार में जन्म देकर हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाकर हमारे जीवन में निरंतर उन्नति का पथ दिखाती है। या फिर हमारे पाप कर्मों के कारण हमारे जीवन में दुर्घटना, दुर्भाग्य, अशांति, धन की कमी, विभिन्न प्रकार की भयानक बीमारियां से हमें ग्रसित इस जन्म में करती है। अगर किसी वजह से कुछ कमी रह जाती है इस जन्म में तो वो अगले जन्म में कहीं हमें भिखारी की जन्म देती है, कहीं हमें दिव्यांग बनाकर या विभिन्न बीमारियों से ग्रसित कराकर अपंग बनाकर जन्म दिलवाती है। तो 100 बार सोचिए अगर हम क्यों बुरा कर्म करें जिसका फल हमें भोगना ही भोगना है, क्योंकि प्रभु के घर ना तो देर है ना अंधेर है। मानव दृष्टि से तो आप बच सकते हैं, मान लीजिए पुलिस से तो आप बच गए, कोर्ट कचहरी की नजर से आप बच गए, लेकिन भगवान की नजर से बचना तो नामुमकिन ही है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं बच सका है। स्वयं जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो कभी राम बनकर वनवास भोगते हैं तो कभी सीता मैया के अपहरण का गम झेलते हैं, कहीं लवकुश का जन्म किसी जंगल में आश्रम में होता है। तो ये सब क्या है, जब वो नहीं बच सके, भगवान कृष्ण को उन्होंने जेल में जन्म करा दिया और
बहेलिए के तीर लगने से, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि उनकी मृत्यु हुई थी लास्ट समय पर, वो परम गति को प्राप्त हुए थे या वापस अपने वैकुंठ लोक को गए थे इस घटना के बाद। तो फिर हम कौन हैं जो अपने कर्मों के चक्रव्यूह से बिना दंड भोगे बाहर निकल जाए? नहीं बाबा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी। जो लोग हम लोगों को दक्षिणा नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए ही ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। साथ ही साथ समय समय पर मैं आपको बधाई संदेश या आपकी बर्थडे विशेष इस ऐप के माध्यम से आपको करता हूं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रहा है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति घर बैठे हमारी मंत्र सिद्ध अंगूठियों को, यानी जो अंगूठियां आपके बताए साइज के अनुसार बनवाकर आपके लिए विशेष पूजा कर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा जागृत की जाती है, मेरे स्वयं के द्वारा, मेरी 32 वर्ष से जो मैं साधना कर रहा हूं नवग्रह देवताओं के मंत्रों की, उस साधना की बदौलत जो अंगूठियां मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, सिर्फ वही अंगूठियां आपको भेजी जाती हैं। तो आप डायरेक्टली भी मोबाइल ऐप के थ्रू हमें ऑर्डर कर सकते हैं, या स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के पर जाकर आप बिना किसी झिझक के ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी परेशानियां बताकर पूछ सकते हैं कि मुझे क्या धारण करना चाहिए, तो हम अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। प्रिय भक्तगणों, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी तरीके से वो एक विद्वान व्यक्ति बनकर समाज का भला करें, देश का भला करें, और मुझसे ही सीखना चाहते हैं। हालांकि मैंने बहुत बहुत सारे लोगों को देश में और विदेश में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया है। अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है, मुझे अगर वो योग्य लगा कि वो ऐसा कर सकता है, तो मैं अवश्य उसे ज्ञान की शिक्षा दूंगा ताकि वो समाज का कल्याण कर सके। लेकिन इन सब चीजों में समय लगता है। तो जो लोग सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में लीन होना चाहते हैं, वो लोग संपर्क कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, बिना किसी चीज के अपना पूरा डिटेल के साथ मुझे बताएं। अगर संभव हुआ मेरे लिए कि मैं उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे सकूं, मुझे वो योग्य लगे और उन्होंने सिद्ध किया कि वो योग्य हैं, क्योंकि गुरु को किसको सुपात्र को ज्ञान देना है, वो गुरु जब तक उसके सानिध्य में नहीं रहेगा, उसको जांचेगा परखेगा नहीं, तो उसे ज्ञान दे ही नहीं सकेगा। किसी मूर्ख को या कुपात्र को दिया गया ज्ञान विध्वंसक हो सकता है। अभी जो बकरे के नाम पर, उल्लू के नाम पर, मुर्गे के नाम पर जो लोग बलि के नाम पर आप लोगों को लूटते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के पीछे अपनी दुकान चलाते हैं। मैं उनके धर्म की वजह से नहीं कह रहा हूं ये, तो मुझे से मिलने आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूं। हालांकि मैं ऑलरेडी वहां पर बैठ के गद्दी लगाता हूं, उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ज्ञान दे मदद करता हूं। मुझे उनके अंदर, उनकी बातों के अंदर कोई दम या वो नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से मैं उनको ये ज्ञान दूं, तो मैंने स्पष्ट रूप से उनको मना कर दिया। जबकि दूसरी तरफ एक ऑटो चालक जो क्रिश्चियन था, सेम रिक्वेस्ट उसने की और मेरे को, मेरी लंबे समय तक सेवा करने के पश्चात मुझे जब वो लगा कि इसे मैं योग्य व्यक्ति समझ सकता हूं, सुपात्र समझ सकता हूं, तो मैंने उसे एस्ट्रोलॉजी या अन्य चीजों की शिक्षा देने में कोई भी देरी नहीं की। तो आप बिना किसी चीज के मुझे लिखिए, मुझसे समय लेकर मिलिए। अगर मुझे आपके अंदर कोई सुपात्र जैसी कोई भावना फील हो कि आपके साथ सानिध्य में आने के पश्चात, तो निश्चित रूप से मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। चलिए, और अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करता हूं आज के दैनिक राशिफल से। मेष राशि वालों, समय की जो
चक्री घूम रही है वहां पर, आप अपने आप को जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप लाभ उठा सकते हैं। परिवारजनों के साथ क्रोध करने का प्रयास मत कीजिएगा, उनसे बचने से ही आपकी भलाई होगी। उनके क्रोध से बचना आपके लिए आवश्यक है, वरना विस्फोटक स्थिति खड़ी हो सकती है। यहां मैं बात करना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंटों के बारे में, उन सभी युवक युवतियों के बारे में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको घोर निराशा हाथ लगेगी। और साथ ही साथ वो सभी स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दूसरी क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अपनी रेगुलर स्टडीज में CA कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स का मन जो है पढ़ने से विचलित होगा। सावधान है, सतर्क रहे। ऐसे सभी स्टूडेंट अपने बचपन से ही अगर फोकस करेंगे अपने माता पिता के माध्यम से पढ़ाई लिखाई पर, जिसमें मैं उनकी मदद करूंगा, तो निश्चित रूप से वो एक सुनहरा कैरियर अपने हाथों से लिख सकेंगे। आने वाला भविष्य उन्हीं का होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ऐसे सभी माता पिता या स्टूडेंट्स अगर ये छोटी सी क्लास से ही मेरे से ज्वाइन कर लें, हर साल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक उपाय जो उनको दूंगा, या 3 साल का एक उपाय जो उनको दूंगा, उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके जीवन साथी के बारे में। जीवन साथी से अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जो रिश्तों की बात चल रही थी वो खराब होने की संभावना बढ़ सकती है, खराब होने की तरफ जा सकती है। और अगर आपका अपने ही जीवन साथी के साथ वो वाद विवाद चल रहा है तो उस वाद विवाद को सुलझाने का प्रयास करिएगा। आपके घर में हर समय सुख और शांति ही होनी चाहिए। गृह कलेश आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो उसके लिए छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करके आपके जीवन में सुख और शांति की वर्षा कराई जा सकती है। यहाँ आपके भाग्य के जो देवता हैं वो देव गुरु बृहस्पति, वो आपकी आमदनी में जाकर बैठे तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि तो कराएंगी, साथ ही चंद्र देवता का भी वहां बैठ जाना निश्चित रूप से गज के सी जो योग बनाते हुए आपको लाभ और अधिक प्रदान करा सकता है, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करा सकता है। भगवान शनिदेव आपके कार्यस्थल पर बैठकर आपको आशीर्वाद दे ही रहे फुल टू फुल, तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप खुद को जितना मजबूत रखेंगे, अपने भाग्य को जितना मजबूत रखेंगे, अपनी आमदनी और अपने कर्म स्थल को जितना मजबूत रखेंगे, इनकी रत्नों की अंगूठियां पहनकर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से रत्न की अंगूठी सूट कर रही है, तो निश्चित रूप से ये मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जो जागृत की हुई अंगूठियां हैं, अगर आप अपने देश के नेताओं के हाथ में देख लें या एक्टर एक्ट्रेसेस के हाथ में देख लें, जो टॉप 10s हैं, जो टॉप 10 में आते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये भी पहनते हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट की भी बात कर लें, मगर उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल पर जाके इनके बहुत सारे फोटो तलाशने पड़ेंगे, तब आपको दिखाई देगा, क्योंकि आजकल पब्लिक के सामने ये लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, बराबर नहीं देते हैं ताकि उनके ऊपर कोई विशेष छाप ना लगे, तो उसे उस समय उतार कर अपनी जेब में रख लेते हैं। हालांकि हमारे गृह मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री, आप उनके हाथ में आप हमेशा देख सकते हैं। हमारे पिछले राष्ट्रपति महोदय भी पहनते थे, और इस समय के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी पुखराज रत्न की अंगूठी धारण करते हैं, ऐसा मैंने विभिन्न फोटोज में देखा है। तो बाकी के सभी लोगों के बारे में आप आराम से देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि आपने अब तक क्यों नहीं पहनी है। तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूं इन अंगूठियों को मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर, आपके साइज की बनवाकर आपके घर तक पहुंचाने के लिए, आपके प्रेम संबंधों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करके प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रेम संबंध को मजबूत बना सकते हैं। खर्चे से सावधान हो जाइए, आपके खर्चे आपके लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। साथ ही साथ चांस बनता हुआ नजर आ रहा है आपका खुद का ऑफिस गोडाउन शोरूम के लिए, तो इस चांस को जाने मत दीजिएगा हाथ से, मैच्योर करिएगा, आप मजबूत बनिए, इन चीजों को मजबूत बनाइए और यहां पर पड़ने वाली बुरी ग्रहों की दृष्टि को रोकिए। तो क्यों नहीं आपको अपना मन चाहा नहीं तो कम से कम अपना ऑफिस, अपनी दुकान, अपना शोरूम, अपना गोडाउन या अपना घर ही क्यों ना हो खरीदने में समर्थ हो सकते हैं, प्रयास करिए। फिर भी किसी मदद की जरूरत है तो मैंने इंडिया से लेकर इटली तक कितने लोगों को उनके मकान दिलवाए, आपकी भी मदद करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप वीडियो कॉल पर
मुझसे संपर्क करें। यहां बात करता हूं वृष राशि वाले व्यक्ति के बारे में। सिर पर बनता हुआ ये अंगारक योग चंद्र कुंडली के अनुसार आपको विस्फोटक स्थिति में ले जाता है। लड़ाई झगड़े से बचने का भरपूर प्रयास करें। पुलिस वालों से गलती से भी उनका अपमान ना करें, नहीं आपको भारी दंडी प्राप्त हो सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ यहां पर बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो माता का आशीर्वाद उनके लिए जीवन में खुशियां ला सकता है, चाहे प्रमोशन, एंगेजमेंट, बॉस से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करके निरंतर आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, उनका बुद्धि तो नीच का है, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई के कारण तो बुद्धि देवता बन गए, तो बुद्धि देवता के नीच के होने की वजह से आपका आपके बच्चों का या आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। आप अपने आप को मजबूत करिए, शुक्र देवता को मजबूत करिए, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई को मजबूत करिए। भाग्य के देवता को, शनि देवता वैसे तो मजबूत है, और अधिक मजबूत करने से, वो जो काफी मतलब उम्र दराज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको मजबूत करना आपके लिए और ज्यादा लाभदायक होगा। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर भी मदद देगा, आपके व्यापार में उन्नति कराएगा, जॉब में प्रमोशन कराएगा, इंक्रीजमेंट होगा, चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, फायदा उठाइएगा। आमदनी में बैठे हुए चार चार ग्रह निश्चित रूप से आपके लिए विशेष लाभ पहुंचा सकते हैं, आपकी आमदनी में यकायक से बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस समय का लाभ उठाकर भरपूर प्रयास करिएगा अपने जीवन में अधिक से अधिक खुशियां लाने के लिए। यहां बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिनके दाम्पत्य जीवन में बार बार कलेश हो रही है, उन सभी लोगों को, चाहे वो फिर किसी भी राशि के क्यों ना हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ये उपाय, छोटे से उपाय दोनों जीवन साथी अगर करेंगे तो बहुत लाभ होगा। वैसे तो आपका जीवन साथी, आपके आपका जीवन साथी का क्रोध इस समय यकायक बढ़ता है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी डोमिनेटिंग नेचर होने की वजह से आपको परेशानी तो सदैव रहेगी रहेगी अपने जीवन साथी से, ये तो नरगैसिक कुंडली है, तो इसमें तो फर्क मतलब जब तक आप उपाय नहीं करेंगे आप लाभ नहीं उठा सकेंगे, तो लाभ उठाने के लिए आप प्रयास अवश्य करिएगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, सभी वृष राशि वालों से कह रहा हूं, तो आपको आपको करने ही पड़ेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय, वरना आपके प्रेम संबंध टूटने के कंगार पर जाकर खड़े हो गए हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। यहां बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपका जो अंगारक योग बना वो 12th हाउस में बन गया चंद्र कुंडली के अंदर, तो निश्चित रूप से परेशानी का कारक ये क्रोध अचानक से, ऊपर से आपका चिड़चिड़ापन, क्योंकि आपका अपना ग्रह नीच का हो गया, तो बुद्ध देवता के की अंगूठी, राहु महाराज की अंगूठी, भाग्य के देवता शनिदेव अष्टम हो गए उनकी अंगूठी, अगर कार्यस्थल पर प्रॉब्लम आ रही है तो कार्यस्थल के देवता की अंगूठी, अगर आमदनी में प्रॉब्लम आ रही है तो आमदनी के देवता की अंगूठी आप अवश्य धारण करिए। अरे जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखेर देंगे अगर ये अंगूठियां मंत्र सिद्ध हुई, प्राण प्रतिष्ठित हुई, और आप इनकी लाइफ के अनुसार, क्योंकि उपरतन की आयु 1 साल होती है, असली रत्न की आयु 3 साल होती है, मोती की आयु केवल 2 साल होती है, तो इसके अनुसार आप इन रत्नों की अंगूठियों को बदलकर, नई अंगूठियां बनवाकर, नए सिरे से मंत्र सिद्ध करवाकर घर बैठे मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी मंगाइए, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूं, और आपके लिए स्पेशली बनती है मेरी अंगूठी। कभी भी आइएगा, मेरे यहाँ कोई स्टॉक नहीं है, भगवान शनिदेव के दरबार में भगवान शनि पीठ पर कोई स्टॉक नहीं होता, मैं स्पेशली आपके लिए ये अंगूठियां सुनार से बनवाता हूँ, उसके बाद स्वयं मंत्र सिद्ध करके आपको आपके घर तक पहुंचवाता हूँ, इसीलिए मेरे को टाइम लगता है। अगर आप मुझे आज बोलेंगे तो 15 दिन पश्चात ही आपकी अंगूठियां आपके घर तक पहुंच पाएंगी, क्योंकि अगर स्टॉक होता तो आज मेरे को अंगूठी स्टॉक में से निकालता, 2 दिन बाद आपको भेज देता पूजा करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। यहां आपके जो स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से वो चाहें तो बहुत नाम रोशन कर सकते हैं, कैरियर में बहुत ऊंची मुकाम को हासिल कर सकते हैं, प्रयास तो करिए, समय आया हुआ है, चूक मत जाइए, चूक गए तो बहुत परेशानी होगी। कैरियर को आपने एक विशेष मुकाम तक पहुंचाना है। साथ ही साथ जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी या इंक्रीजमेंट या प्रमोशन या अपने बिजनेस में प्रमोशन देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, समय का लाभ उठाइए, मगर आपका अपना घर नीच का होने की वजह से आप ये लाभ नहीं उठा पाएंगे।
अब आप लाभ नहीं उठा पाएंगे तो आपको अपने आप को मजबूत करके ही तो लाभ उठा पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया था, उन रत्नों की अंगूठी आप तुरंत बनवाइए और पूरी जिंदगी बदल बदल कर धारण करते रहिए, देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप मेरे को दुआ देते नहीं थकेंगे जैसे बाकी दुनिया के लोग करते हैं, अब वीडियो बना बना कर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फायदा होता है। यहां से नहीं, अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर, इटली से लेकर, फ्रांस से लेकर, जर्मनी से लेकर और इंडिया के तो कोने कोने से ये वीडियो मेरे को लोग बना बना कर भेजते रहते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये गुरुजी या भगवान शनिदेव का जो दरबार है वहां पर सिर्फ सिर्फ आप लोगों की सच्चे मन से मदद की जाती है। लाभ उठाना आपका काम है, चाहे समस्या कोई भी हो हम भरपूर प्रयास करते हैं। ऐसे अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिए, बीमारी से भी सावधान रहने का प्रयास करिएगा, आपको परेशानी हो सकती है। यहां पर बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि आपका समय है, आपका ग्रह अपने मित्र के साथ बैठकर गजकेसरी योग बनाकर चमक रहा है और ये जो चमक दिखाई दे रही है ये बनती नजर आ रही है अष्टम हाउस में। अब ये अष्टम हाउस में जब चमक बनेगी तो आप सोचिएगा क्या होगा। ये जो चमक रहा है तो ये जो चमक बनती दिखाई दे रही है ये आपके भाग्य में बनती दिखाई दे, तो आपके भाग्य में चार चांद लग सकते हैं क्योंकि वहां पर चार ग्रह जुड़ रहे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन चारों का मिलन भाग्य के घर में आपके भाग्य को उन्नति के नए मोड़ तक पहुंचा सकता है। तो लाभ उठाइएगा इस समय का। यहां बात करना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंटों के बारे में जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां तो केतु बैठा हुआ, मन तो लड़ाई झगड़ा फसादों में लगा हुआ है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट और उनके माता पिता मेरी बात को गौर से समझ लें कि मोटी फीस जिन जिन स्कूलों में जाती है या छोटी फीस जाती है तो किसी भी स्कूल के सारे बच्चे 90% प्लस मार्क्स नहीं लाते हैं। मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूं, लोकल क्लास में तो आप जो मर्जी दे दीजिए। तो 10th और 12th के जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो उसमें कितने परसेंट बच्चे लाते हैं, हर स्कूल का अगर एवरेज दिखाए तो 10-12-15% लोग ही, मुश्किल से बता रहा हूं आप 90% क्रॉस करेंगे। और 90% से कम में कैरियर के लिए कोई अच्छा मुकाम मिलता नहीं है। हालांकि जब बात आती है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की तो मैं हैरान होता हूं जब देखता हूं कि 97% वालों को भी मनचाही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, तो सोच लीजिए ग्रेजुएशन में मार्क्स तो बीकॉम बीएससी के लिए आप भटकते हैं, 97% मार्क्स तो ले आते हैं मगर भटकते रहते हैं। तो किस लिए मोटी स्कूलों की मोटी मोटी फीस दे के आपने सोचना है? अरे अपने बच्चे को शुरू से ही हम जैसे किसी व्यक्ति के साथ जोड़िए, छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय साल में एक बार करिए, आपके बच्चे का कैरियर अपने आप 90% से ऊपर चला जाए धीमे धीमे करके। तो आप लाभ उठाइए इस सुविधा का, हम तो आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध है। यहाँ जो गुण आपके परिवारजनों की वजह से आपको मदद मिलती नजर आ रही है, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट प्राप्त हो सकता है, इस समय को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। गुड चांस है आपके लिए, आपका भाग्य इसके लिए आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बात करना चाहता हूं उन नालायक संतानों के बारे में, जब बात ही चल रही है तो हम सिलसिलेवारी चलें कि उन नालायक संतानों के बारे में जिनके मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। साथ ही साथ अपने मां बाप का अपमान करते हैं, चाहे इनकी उम्र 15 साल है या 55-60 साल। अब कोई भी मां बाप अपना अपमान सहने के लिए तो अपने बच्चों को जन्म नहीं देता है। तो ऐसे सभी मां बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिना किसी चीज के वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे चर्चा करिए ना। मैं छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय आपका चेहरा देखकर या फिर आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको दूंगा, उस उपाय के माध्यम से आप अपने प्रेम संबंधों में उस बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का है या लड़की है, निश्चित रूप से बढ़ोतरी कर सकते हैं
और पुनः पुराने जैसे प्रेम संबंधों की स्थापना धीमे धीमे करके कर सकते हैं। ये भाई बहन के केस में भी लागू होता है, अगर उनके बीच में मतभेद है तो उनके लिए भी इसी प्रकार के उपाय करके लाभ पहुंचवाया जा सकता है। इसके साथ ही उन निसंतान दंपतियों की भी बात कर लेता हूं जिनको बार बार मिसकैरेज होता है या जिनको संतान ही अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही साथ कार्यस्थल के मालिक का आमदनी में बैठ जाना निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि तो कराएगा, लेकिन अंगारक योग के कारण यह आमदनी खराब मत होने देना। सावधानी पूर्वक अपनी मेहनत से कमाई गई आमदनी को बचा के रखना। साथ ही जो लोग अपनी जीवन साथी के साथ घर में तनावपूर्ण संबंधों में जी रहे हैं, फील करते हैं कि उनका जीवन साथी डोमिनेटिंग है, तो ऐसे सभी लोग मेरे तरफ से दोनों ही लोगों को अगर छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर लें तो उनके जीवन से अशांति स्वतः ही गायब हो जाएगी। साथ ही साथ अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की अंगूठी यानी मोती की अंगूठी या मूनस्टोन की अंगूठी, पुखराज की अंगूठी और आमंदनी के मालिक शुक्र देवता की अंगूठी आपके जीवन में और अधिक शुभ फलों को प्रदान कर सकती है। तो इन रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करना आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। प्रेम संबंध में आ रही लड़ाई झगड़े को कम करने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन में खुशहाली रह सके। फिर भी अगर आप प्रेम संबंधों को लेकर परेशान हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं, उनको करके आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करके बात करूंगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं अष्टम हो गया है, तो अपने आप को मजबूत करिए। माणिक की यानी रूबी की अंगूठी पहनकर सूर्य देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करके विधि विधान से, साथ ही साथ भाग्य के रतन यानी मूंगे रतन की अंगूठी और आमंदनी के रतन, क्योंकि आमंदनी के देवता भी नीच के हो गए तो आपको परेशानी का सबब हो सकते हैं, तो उनके भी रतन की अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि आपके लिए तो आपके कर्म स्थान के देवता भी अष्टम होने की वजह से आपको परेशानी का सबब बन सकते हैं, बदनामी दे सकते हैं, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आप को मजबूती प्रदान करिए ताकि आप निरंतर आगे बढ़ सकें। माता से झगड़ा करने का कोई भी प्रयास आपके लिए बेहद हानिकारक होगा। यहाँ पर प्रेम के मालिक का शादी के घर में बैठ जाना चांस बना सकता है, प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मौके पे चौका मारिए, अगर संभावना बन रही है तो बनाने का प्रयास करिएगा। बृहस्पति देवता के साथ चंद्र देवता का शादी वाले घर में बनता हुआ गज केसरी योग आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। जीवन साथी की वजह से लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, किंतु जीवन साथी के अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। जो स्टूडेंट हैं अपना फोकस पढ़ाई लिखाई में करेंगे तभी तो अपना करियर बना सकेंगे, लेकिन जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या प्रमोशन या इंक्रीमेंट की राह देख रहे थे या अपनी काम धंधे में उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उनको निराशा हाथ लग सकती है, उनकी संभावना मतलब धूमिल हो सकती है। तो सावधान रहिएगा, जो भी प्रयास करें बहुत सोच समझ कर करें, अपनी मेहनत को, अपनी ऊर्जा को, अपने धन को वेस्ट बिल्कुल भी ना होने दें। यहाँ पर भाग्य के मालिक का कार्यस्थल पर बैठ जाना निश्चित रूप से कार्यस्थल पर कुछ शुभ प्रभाव तो देगा, किंतु घर पर बैठे हुए शत्रु, कार्यस्थल पर बैठे हुए शत्रु आपका जीना हराम करने के प्रयास करेंगे, तो सावधान रहिएगा। लड़ाई झगड़ों से, उलझनों से बचने का प्रयास करिएगा। शत्रुओं से तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा, अगर आप शत्रुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल पर बात करिए, हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। यहाँ पर आमदनी के देवता का नीच का होना आपकी आमदनी को ब्रेक देगा, तो अपनी आमदनी में लगातार वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, नहीं तो आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे। और कर्जे के दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी आमदनी को बढ़ाना, अपने भाग्य को बढ़ाना, अपने आप को मजबूत करना, तभी आप कर्जे के दलदल से बाहर निकलेंगे। नहीं तो एक कर्जे से दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा, तीसरे कर्जे के लिए चौथा कर्जा, और फिर वो कभी नहीं चुकता। घर, मकान, दुकान, कार्यस्थल सब बिक जाते हैं, तो ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। अगर फिर भी आप फंस गए तो हम आपको सपोर्ट देंगे, हर तरीके से मजबूत करेंगे
ताकि आप इस विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए तेजी से आगे बढ़ सकें, अपने कर्जों से मुक्त हो सकें। यहां मैं बात करना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो प्रेम संबंधों को परेशान व्यक्ति बिना किसी झिझक के वीडियो पर हमसे चर्चा करें। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय घर बैठे हम आपको भेज सकते हैं, उन उपायों के माध्यम से अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। यहां बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आपका अपना ग्रह नीच का है तो आपको सबसे पहले तो अपनी 15 रत्न की अंगूठी पहननी है, फिर भाग्य के रत्न यानी शुक्र देवता की अंगूठी, हीरा या अमेरिकन डायमंड हाई क्वालिटी का एकदम डबल कट्टा, साथ ही राहु महाराज क्योंकि भाग्य में बैठे हुए हैं प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उनकी अंगूठी भी पहनना बहुत लाजमी है। तब जाके कहीं आपको थोड़ा मोटा रिलीफ मिलना शुरू होगा लाइफ के अंदर। देर मत कीजिए, शुरू कर दीजिए, ये जीवन भर बहुत काम आएगा आपके। जब जब कोई ग्रह खराब होता तो आधी परेशानी तो यही संभाल लेंगे तीनों चीजें, बाकी की परेशानी तो आप चुटकी बजाते ही उड़ा सकते हैं। यहाँ भाई बहनों से झगड़ने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, मोटी मोटी फीस जमा कराने से कुछ नहीं होगा स्कूलों के अंदर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय अगर आप अपने बच्चों को शुरुआत से ही यानी दूसरी तीसरी क्लास से ही कराने लगेंगे, हालांकि मेरे पास तो जो लोग नर्सरी में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके माँ बाप भी आ जाते हैं, और यहीं के नहीं पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूं। क्यों चाहते हैं उनके बच्चा के कैरियर के मसले में कभी भी फेल ना हो, तो आप क्यों नहीं बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर घर बैठे मुझसे चर्चा करिए ना, मैं घर बैठे आपको लाभ पहुंचाऊंगा। जरूरत पड़ने पर घर बैठे आपको ये वैदिक उपाय पहुंचवाने की गारंटी भी मैं ही देता हूं। जीवन साथी के साथ आपको खुशखबरी मिल सकती है, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कभी एग्जाम में सफलता, बन चाह ट्रांसफर, बन चाह प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, सरकार से कोई बेनिफिट जैसी सूचना मिल सकती है, इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। कहीं ऐसा ना हो आपका खराब ग्रह आपके नीच का बुद्धि मौके को छीन ले। भाग्य में बैठे हुए मंगल देवता कहीं आपके भाग्य पर अतिक्रमण करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। मंगल देवता की जय जयकार करना बहुत आवश्यक है। मंगल देवता की जय जयकार करते रहिए उनके तांत्रिक बीज मंत्रों से। नित्यपति एक माला करना आपको बहुत लाभ देगा विधि विधान से। विधि विधान फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल के हालात भी आपके लिए उत्तम नहीं है क्योंकि कार्यस्थल का मालिक नीच का होगा तो नीच का ही फल देगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो परेशानी तो आएगी आएगी, मगर आप मजबूत होंगे, आपका भाग्य मजबूत होगा, आपका आमदनी का ग्रह मजबूत होगा तो आप इन सब परेशानियों से वैसे ही छुटकारा पा लेंगे। बात करना चाहता हूं उन सभी बीमारियों के बारे में जो आपको परेशान कर सकती हैं। अपनी लीवर प्रॉब्लम कंट्रोल करिएगा, सांस से संबंधित बीमारी, कोरोना चल रहा है इसलिए सांस की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, उस समय बुध का नीच का होना, बुध मतलब छुआछूत की बीमारी, चंद्रमा मतलब आप समझ लीजिए जब बीमारी के घर में बैठेंगे तो सांस की प्रॉब्लम देते हैं या यूरिन की प्रॉब्लम देते हैं, पथरी की प्रॉब्लम देते हैं, या लीवर यानी जॉन्डिस या लीवर में कोई इंफेक्शन आपको परेशान कर सकता है, बहुत सावधान रहिएगा। प्रेम संबंधों को गति देने का प्रयास करिएगा। प्रेम संबंधों में बैठे हुए शनि महाराज उनका आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, निश्चित ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आप लाभ अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। Namaste Guruji. What I was trying to say in the email was that there was a time whereby in my sleep I dreamt that I was walking with a friend. As we were walking, I saw a bunch of people in front of us. They were trying to attack us. Then my friend all of a sudden escaped and ran away. When I tried to run backwards, I saw the same number of people again trying to attack me. And all I did was to call out your name. Then all of a sudden I defeated all of them. बात करूंगा तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह जब बीमारी के घर में बैठ जाएगा तो क्या बीमारी देगा मालूम है? इम्पोटेंसी, या लेडीज को फीमेल डिसऑर्डर्स। इम्पोटेंसी से तो सभी लोग डरते हो ना, कौन अपने आप को नपुंसक कहलाना चाहता है? चलो आज आपकी नपुंसकता दूर करने का एक छोटा सा उपाय देता हूं, घरेलू उपाय है। अपनी किसी भी
सोने की अंगूठी इत्यादि को गलवा कर एक रॉड में कन्वर्ट करा लीजिए, पतली सी रॉड बना लीजिए, उसकी सुनार बना देता कोई दिक्कत नहीं। आप उसे मुझे एक सलाई बनानी है, उस सलाई को वैसे शुद्ध सोने की हो तो सबसे उत्तम है, कर सके तो शुद्ध सोने की ही करिएगा। उस रोजाना रात को दूध पीजिए, कैसे दूध पीना है, उस रॉड को जो सोने की सलाई है उसे गैस पर या किसी जिस जो भी सुविधा है उस पर लाल करके गर्म कर लीजिए एकदम रेड, और फिर उसे दूध में भिगोइए। तीन बार ऐसा करिए, उस दूध को आप सेवन करिए। नित्यप्रति ऐसा करना आपकी नपुंसकता में बहुत आपको मदद देगा, साथ ही साथ आपको हीरा पहनने से बहुत मदद मिलेगी, या उसका उपरतन हाई क्वालिटी का अमेरिकन डायमंड भी आपको आपकी नपुंसकता में आराम दे सकता है। और चर्चा करता हूं अंजीर, ये तो बुड्ढों को भी सेक्स करने योग्य बना देती है। अंजीर का सेवन, दो अंजीर नित्यप्रति खाएं। अंजीर तो उन लोगों को जो घंटों घंटों इस उम्मीद में पार्क में टहलते रहते हैं अब तो प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर पार्क में जाने की जरूरत ही नहीं आने देती, वो तो उठेंगे उठने के दो चार दस मिनट बाद आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। पता नहीं किस किस ने कौन कौन सी गोलियां बना दी हैं, हमारे यहाँ तो हमारे जो आयुर्वेद का ज्ञान है ना वो ही इतना अपने आप में संपूर्ण है कि अगर सही तरीके से उस पर शोध और रिसर्च किया जाए जैसे बाबा रामदेव कर रहे हैं तो दुनिया की कायाकल्प हो जाए, करके तो देखिएगा। और इम्पोर्टेंसी में इसी अंजीर में आप मुनक्का मिला लीजिए, छुआरा मिला लीजिए, थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, इसका सेवन करिए। अगर इम्पोर्टेंसी दूर ना हो तो कमेंट्स में लिख के बताना कि मैं नित्यप्रति दो महीने से इसका सेवन कर रहा था गुरुजी, आपने झूठ बोला था। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं सबको, आप बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूं, कान खोल के खड़ा हूं, देखता तो हूं कैसे बोलेंगे। लेकिन अगर आप सच्चे इंसान हैं तो अगर आपने मेरे इस उपाय से फायदा उठाया है तो बिना किसी झिझक के एक वीडियो बनाकर मुझे जरूर भेजिएगा, बस इतनी सी अभिलाषा है। इनमें से सारे उपाय अगर टू द पॉइंट्स, चाहे वो आपका पेट गड़बड़ करता है इस सेंस में कि आपका मिजाज में ही ठीक नहीं रहता जिसकी वजह से आपको घंटों टहलना पड़ता तब जाके आपका वॉशरूम जाने की जरूरत आती है, तो इन सभी चीजों में जिस जिसमें बताइए, अगर मेरा कोई भी उपाय फेल हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर उपाय पास हो तो वीडियो बनाकर इनमें से जितने भी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बस नाम गलत बता देना कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरा ओरिजिनल होना चाहिए, और ये लोकेशन बता देना अपनी कि मैं फलाने शहर से बोल रहा हूं। अगर आप शहर का नाम भी नहीं बताना चाहते तो आप स्टेट का नाम बता देना, बस कि गुरु जी का उपाय आपको काम आया नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी ऋषि मुनियों की द्वारा खोज उसमें मेरी मेहनत का तड़का आपके काम ना आए। तो बात कर रहा था मैं उन सभी स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर अपने माँ का आशीर्वाद लेकर अगर पढ़ाई करने बैठेंगे तो अवश्य लाभ होगा, और साथ ही साथ तुला राशि वालों आपके लिए चांस बना हुआ अपना खुद का मकान खरीदने का या अपना खुद का वाहन खरीदने का, मौके पे चौका मार दीजिए, बार बार ये मौका नहीं आता, नहीं तो किराएदारी के झंझटों में फंसे रह जाएंगे। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेगा तो जरूर मन लगेगा, और आपका शायद नाम रोशन होने के चांस लगे हुए हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई आपका नाम को रोशन कर सकती है, किंतु जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की राह देख रहे थे, ट्रांसफर की राह देख रहे थे, उन्हें निराशा जरूर मिल सकती है। तो ऐसे सभी युवक युवतियों से बार बार कहता हूं भाई एक बार अपनी जन्म कुंडली वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे चर्चा तो कर लो, छोटा सा उपाय, या खाली जन्म कुंडली और जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली आपका चेहरा देखकर बनेगी, तो उसके माध्यम से ये तो पता चल जाएगा ना रुकावट कहां है सरकारी नौकरी में, उस रुकावट को दूर करिए और आगे बढ़ जाइए। जीवन साथी की बात करूं तो अगर आपकी शादी होने वाली थी तो रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, बात टूट सकती है, लेकिन अगर ऑलरेडी शादी शुदा है तो भी झगड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है, सावधान नहीं है, वैसे तो आप लड़ते झगड़ते ही रहते हो। तुला राशि वालों की बात कर रहा हूं,
तो भाई इतनी अशांति किसको अच्छी लगती है कि आपकी वजह से आपका अड़ोस पड़ोस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके रिश्तेदारों को भी आपसे प्रॉब्लम होती है इसी वजह को लेकर, यहाँ तक कि थाना पुलिस का कोर्ट कचहरी करने पड़ते हैं। तो ऐसा मौका मत आने दीजिए। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके तो देखिए ना, अगर आपकी जीवन की दिशा और दिशा दोनों ना बदल जाए तो कहना कि गुरुजी आपने सही उपाय नहीं बताया था। लेकिन यहाँ तो अभी ऐसा कहने वाला ही नजर नहीं आता जो इसने मुझसे उपाय लिए हों और ये कहे कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग भी तो नजर आने चाहिए ना। साथ ही साथ बात करना चाहता हूं भाग्य की, तो भाग्य के देवता आपके नीचे हैं तो प्रॉब्लम तो खड़ी करेंगे। सावधान रहिए, शत्रु भी आपका बैंड बजाने में फुल टू फुल लगे हुए हैं, बीमारियां भी आपके बैंड बजाने में लगी हुई हैं, तो इन सबसे बचिएगा, भयंकर परेशानी खड़ी हो जाएगी। या लंग्स का इंफेक्शन, छुआछूत की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम और इम्पोटेंसी सब एक साथ जुड़ गए, पता नहीं क्लब करके क्या क्या रोगों का निर्माण कर देंगे। बहुत सावधान रहना है। कार्यस्थल के हालात को मजबूत जितना बना लेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, वरना आपको कार्यस्थल पर या नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी के देवता भी अगर बीमारी के घर में बैठ जाएंगे तो आमदनी तो गई, कर्जे का दलदल शुरू। तो अपने आप को मजबूत करिए, अपने भाग्य को यानी अपने आप को, यानी अपने आप को मजबूत करिए, भाग्य को मजबूत करिए, कार्यस्थल को मजबूत करिए, आमदनी को मजबूत करिए, इनके रत्नों की अंगूठियां अपनी जन्म कुंडली के अनुसार मंत्र सिद्ध प्राण प्रति जागृत कराकर धारण करिए, अवश्य फायदा करती हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे देश के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो इन रत्नों की अंगूठियों को धारण करते हैं। कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि टॉप 10 एक्टर एक्ट्रेस को देखें या टॉप 10 इंडस्ट्रीज को देखें या टॉप 10 लीडर्स को देखें, तो उसमें से कितने सारे लोग धारण करते हैं और अपने भाग्य को चमकाते हैं। तो आपको क्या कांटे लगे हैं जो अपना भाग्य सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी नहीं चमका सकते हो भाई। यहाँ पर प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से 4 चांद लगने की संभावना है, जो भी करें सोच समझ कर करें। बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों आपका समय क्रोध के आवेश में ही ना गुजर जाए, क्रोध को शांत करिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, आप ही के लिए परेशानी होगी। अगर आपके जीवन साथी की बात चले तो वो बात भी खराब हो सकती है। हालांकि मौका है प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का, मौके पर चौका मार दो अगर मार सकते हो और अपने प्रेम संबंध को शादी में कन्वर्ट कर लो, समय आ गया है। भाई बहन भी फुल टू फुल हेल्प कर रहे हैं, माता का भी पूरा पूरा आशीर्वाद मिला हुआ, माता के आशीर्वाद में तो 4 चांद लगे हुए हैं इस समय पर। आपके जीवन में खुशी भूल देगा माता का आशीर्वाद। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई से विचलित ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ेंगे तो अवश्य ही वो जो पढ़ाई लिखाई आज आप करेंगे आशीर्वाद लेने के बाद, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में काम आने वाली है, ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा इस बात का। और जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको खुशखबरी मिल सकती है, नौकरी प्रमोशन, एंगेजमेंट, इंटरव्यू, सफलता जैसे हालात बनकर लाभ पहुंचा सकते हैं। बॉस के साथ हो चाहे इनकी प्रमोशन हो या व्यापार में उन्नति हो, पूरे आसार बने हो, तो लाभ उठाइएगा और अपने जीवन में खुशियां घुलने का प्रयास करिएगा। प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का समय बता ही चुका हूँ आ गया है। आप जितना मजबूत करेंगे उतना ही फायदा होगा, आपका भाग्य मजबूत होगा। अगर आप कर्म स्थल को मजबूत करेंगे, आमदनी के देवता जो नीच के उनको मजबूत करेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। तो आपको अपने राशि रत्न की, भाग्य रत्न की, आमदनी के रत्न की अंगूठी तो पहननी ही पहननी है, कर्म स्थान की अंगूठी भी पहनकर लाभ उठाना है। कोई भी चीज कमी ना रह जाए ताकि फिर आप ये रह गए ये और कर लेता तो फायदा हो जाता। तो इसलिए वन गो में सब कुछ करिए। डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो भी तो 5-6 गोलियां देता ना, कोई बड़ी परेशानी होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ कोई एंटीबायोटिक होती है, किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई और काम होता है, कोई बीमारी से कंसर्न होती है डायरेक्ट, तो वो 4-5 गोलियां जब मिलकर दी जाती है ना तो उनका जो प्रभाव होता है वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट हिट करता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए इन रत्नों की अंगूठियों का बहुत बड़ा योगदान है, आप लाभ उठा के तो देखिए। बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, आपके अपने जो ग्रह देवता हैं वो अब क्योंकि कुंभ राशि में जाकर चले गए तो निश्चित रूप से भाई बहनों से आपको अभूतपूर्व लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। भाई बहन आपकी
उन्नति में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। परिवारजनों से भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा, माता का भी पूरा पूरा आशीर्वाद, आपको नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कंप्लीट एग्जाम में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट, मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन जैसी सूचना, या बिजनेस में उन्नति के नित्य नए अवसर खोलने का प्रयास करेगा और आपके जीवन में खुशियां भर देगा। लाभ उठाइए, मौका कहीं चूक ना जाए। किंतु स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, मोटी फीस क्यों देते हो, क्यों नहीं छोटी उम्र से ही अपने बच्चे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों से, जो साल में एक बार करने होते हैं, तीन साल में एक बार करने होते हैं, उन उपायों के द्वारा उनको सीधा 95% के आसपास वाला कैंडिडेट क्यों नहीं बना देते। लगातार उपाय करते हुए आपके बच्चे का कैरियर गोली की तरह ऊपर उठता चला जाएगा, बशर्ते आप छोटी क्लासेस से उसको अटेंड करा लेंगे। तो विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ देगा। मैं तो हैरान हो जाता हूं, मैंने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि मेरे छोटा बेटा जब 12th में पेपर दे के आया, हालांकि वो IITian है, IIT के एडवांस में उसकी 701 रैंक आई थी, तो और साथ ही साथ बिट्स प्लानिंग में भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिला था। ये एक अलग बात है कि मैंने उसका एडमिशन NSIT दिल्ली में, जो दूसरे नंबर का कॉलेज है, किसी मजबूरी वश कराया, क्योंकि मेरे दो ही बेटे हैं, एक बेटा ऑलरेडी ग्वालियर से M.Tech कर रहा था, तो मैं दूसरे बेटे को दिल्ली से बाहर नहीं भेजना चाहता था। IIT में होने के बावजूद भी मैंने नहीं कराया, वरना 701 रैंक तो बहुत बड़ी रैंक मानी जाती है IIT में, क्योंकि एक ही नंबर पे वहाँ 100-200 स्टूडेंट्स खड़े होते हैं कई बार, कि 701 कम से कम 100-150 बच्चों के आए होंगे, वो जितने मार्क्स मेरे बेटे के आए थे उतने मार्क्स तो कम से कम 100 लोगों के आए होंगे, तो 100 के 100 लोग वहीं खड़े हुए थे 601 से लेकर 701 तक रैंक में, या हो सकता है 150 के आए हो, 200 के आए हो, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दे सकता, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। मेरा जो मानना है बीइंग एन इंजीनियर एज आई अंडरस्टैंड कि मतलब क्या होता है इस ग्रेडिंग में, तो वो जब 12th के पेपर दे के आया तो मैथमेटिक्स का पेपर था, मैंने कहा बेटा क्या किया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कहता पापा 90 नंबर का हो पाया, 90 नंबर का काम कर पाया। मैंने कहा आएंगे कितने बेटा, कहते 90 आ जाने चाहिए, अटेंड ही 90 का किया है, घबराते मैं वरिड नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा था एस्ट्रोलॉजिकली, उसे मतलब 8-8 रत्न धारण करा रखे थे, मुझसे उसे गलती कैसे हो सकती है, तो मैं उसे बिल्कुल भी वरिड नहीं था। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो 96% मार्क्स आए उसके 100 में से, 90 नंबर का अटेंड किया है, 96 मार्क्स आए, ये किसकी महिमा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन नवग्रह देवताओं की महिमा ही हो सकती है, परम पिता की ही कृपा हो सकती है कि जो बेटा 90 नंबर का अटेंड करके आया उसे 96 मार्क्स मिले हो। क्योंकि हमारा फोकस जो था वो 12th को क्लियर कराने में नहीं था, 12th के एग्जाम देने की तरफ फोकस नहीं था, फोकस था कि IIT एडवांस क्रैक करना है, इस पर फोकस था, बिट्स क्रैक करना है, इस पर फोकस था। तो आप अगर अपने बच्चे को शुरू से मजबूत कर लेंगे तो क्यों उसकी अच्छी रैंकिंग नहीं आएगी, अच्छा कैरियर नहीं बनेगा, जो हर माँ बाप का सबसे बड़ा सपना है आज की डेट में। क्योंकि माँ बाप जितनी भी मेहनत करते हैं, जितना भी धन कमाते हैं, अंत तक कमाते तो अपने बच्चों के लिए ही है ना, आपका हर बच्चे के आने चाहिए, तभी तो मेरी सफलता यही कहती है कि मैं जब भी सफल हूंगा जब आपका हर बच्चा आगे बढ़े मेरे छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके। यहां पर बात करना चाहता हूं आपके जो व्यापार स्थल या नौकरी का जो देवता है वो नीच का होने की वजह से आपको परेशानी दे सकता है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बॉस से बचने का प्रयास करिए, लोगों से झगड़े मत करिएगा, वरना आपको विपरीत प्रभाव ज्यादा ही मिल पाएंगे। और साथ ही साथ पिता का आशीर्वाद यहाँ बहुत काम आएगा, कार्यस्थल पर जब भी जाए, नौकरी करने जब भी जाए तो पिता का श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर जाना, आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो जाएगी, नित्य प्रति की बात कर रहा हूँ जब तक ये बुद्ध देवता नीच के हैं। साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ आमदनी को बढ़ाने के लिए शुक्र देवता बहुत मेहरबान हो सकते हैं, माता का आशीर्वाद बड़े काम आएगा, तो आमदनी को बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रेम संबंधों में खुशियां लाना चाहते हैं तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास करिएगा, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम संबंध में बहुत झगड़े होने की संभावना बनी हुई है, अगर आप ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे तो प्रेम संबंध मजबूत नहीं होंगे, खराब होंगे। फिर भी कोई परेशानी आ रही तो हमारी स्क्रीन पर आए नंबरों पर आप हमसे संपर्क करिए और लाभ उठाइएगा।
वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे ही। यहां बात करूंगा मकर राशि वाले व्यक्ति, आपका अपना ग्रह शनिदेव शनि ग्रह आपके सिर पर बैठकर आपको फुल टू फुल आशीर्वाद की वर्षा दे रहा, आप दूसरा कोई ग्रह इस समय नहीं है, तो शनिदेव का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। शनिदेव जितने मजबूत करेंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतने ही आपकी राशि और आप स्ट्रांग बनेंगे। शनि देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला साथ में नित्यपति कर लीजिए, नीलम की अंगूठी धारण करिए जन्म कुंडली के अनुसार, बहुत फायदा होगा। भाग्य की रतन की अंगूठी भी बहुत फायदा करेगी आपको, क्योंकि भाग्य के देवता तो बुद्ध देवता है, वो नीच के हैं, अगर उनकी अंगूठी नहीं पहनेंगे तो बार बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थल के देवता तो शुक्र देवता है, हीरा या उससे रतन की अंगूठी आपको बहुत फायदा करेगी। आमदनी के मालिक तो मंगल देवता है, उनको पहनेंगे तो बहुत लाभ होगा। ये मकर राशि वालों आपको गारंटी से बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी असली मकर राशि है, वो नहीं जो आप अखबारों में देखते हैं कि 1 से 28 तारीख तक मकर राशि है या इस तरह से आप जो भी देखते हैं, वो हमारे यहाँ का पैटर्न नहीं है, हमारे सनातन धर्म की महिमा नहीं है वो पता नहीं कहाँ से ये चला है जो कभी सत्य नहीं होता, यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी कहती है ये, इसे यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं कि वहां पर ऐसी परंपरा चलती है कि 1 महीने तक जो बच्चे होंगे उनका सारे का भाग्य ऐसा होगा। हमारे देश में कहा जाता है 2 घंटे, हमारे सनातन धर्म में 2 घंटे के करीब जो बच्चे एक साथ वो पैदा होते हैं वो एक जैसा सारे ग्रह लेके आते हैं, हर 2 घंटे बाद ग्रह बदल जाएंगे उसके, यानी लग्न बदल जाएगी तो ग्रह की स्थिति बदल जाएंगी हर बच्चे के लिए, तो दिन में 12 बार बदलते हैं और वो 1 महीने तक सभी बच्चे एक जैसे, उनका भाग्य से लेकर सब कुछ एक जैसा कर देते हैं। भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर आप उस तरीके से देख रहे हैं तो भैया अपनी राशि मत देखना, जन्म कुंडली के अनुसार राशि की बात कर रहा हूं। यहां पर परिवारजन आपको भरपूर साथ देते नजर आ रहे हैं, भाई बहनों की आशीर्वाद से नौकरी प्रमोशन इनकी मेरी इंटरव्यू की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत लाभ होगा। हालांकि मन विपरीत भाग रहा है, विस्फोटक स्थिति बन सकती है, सावधान रहिएगा, मन को स्थिर करना है, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, क्रोध को आने ही ना दें। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, उनका देखभाल करें, बहुत इमोशनल है, बार बार आंसू टपकाता है आपका जीवन साथी, और ऊपर से आपका डोमिनेटिंग नेचर ना बैंड बजा देता है उसकी, जितना ख्याल रखेंगे उतना आप लाभ उठाएंगे, वरना कोई और लाभ उठा जाएगा, जीवन साथी आपका होगा लाभ कोई और उठा रहा होगा। यहां पर बात करता हूं भाग्य की और कर्म स्थल के रामन जी की, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का भरपूर प्रयास करिएगा, क्योंकि आपके प्रेम संबंधों में झगड़ा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का छोटा सा उपाय जान सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्ति के बारे में, कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपके सिर पर बैठे हुए बृहस्पति देवता आपको फुल आशीर्वाद दे रहे, किंतु शनि देवता नीच के हैं, तो शनिदेव की यानी नीलम की अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अवश्य धारण करें। यहाँ पर आपको बहुत सारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, अपने परिवार वालों की नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना मिल रही है, लाभ उठाइए, व्यापार में उन्नति के अवसर बने हुए हैं, लाभ उठाइएगा जितना उठा सकते हैं। माता से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, उनके क्रोध से अवश्य बचिएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, क्योंकि उनका ग्रह नीच का हो गया, माता पिता ध्यान रखें, अन्यथा उनके बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एग्जाम सिर पर है, अगर बुध नीच का है तो निश्चित रूप से उनको विपरीत प्रभाव देगा, बहुत बुरा प्रभाव देगा, बुद्धि ही कहीं और चल रही होगी, सावधान सावधान सावधान। यहाँ पर जीवन साथी के बारे में अगर बात करूं तो परिवारजनों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आपको, अगर शादी नहीं हुई तो एक शादी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, और अगर ऑलरेडी शादी शुदा है तो उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आने वाला है। भाग्य के देवता को जितना आप मना लेंगे उतनी ही आपके जीवन में खुशी होगी, परिवारजन के माध्यम से आपके भाग्य सुधार सकते हैं, कार्यस्थल के मालिक जो हैं निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद लेकर आप ठीक कर सकते हैं कार्यस्थल के मालिक को और लाभ उठा सकते हैं। आपके घर पर आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर कुछ शत्रु आपका बैंड बजाने का प्रयास कर रहे हैं, सावधान रहिए अपने शत्रुओं से, किसी बीमारी की समस्या ना खड़ी हो जाए, कोर्ट कचहरी से झगड़े का भी से बचने का भी प्रयास करिएगा। प्रेम संबंधों में परेशानी आएगी, प्रेम संबंधों में परेशानी को दूर करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय लेकर आप लाभ उठा सकते हैं, हमारी सहायता ले सकते हैं। यहां बात करूंगा मीन राशि वाले व्यक्ति के बारे में, मीन राशि वाले व्यक्ति आपके वजह से आपको एक नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू सफलता जैसी सूचना मिलती हुई नजर आ रही है, लाभ उठाइएगा, लेकिन तो आपका अपना ग्रह 12th में हो गया है,
अब अपना मालिक ही ट्वेल्थ होगा तो कैसे काम चलेगा। तो अपने मालिक के यानी बृहस्पति देवता की पुखराज की अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धारण करिए, बहुत लाभ देगी। भाग्य रत्न की अंगूठी धारण करिए, बहुत लाभ देगी। मंगल देवता की अंगूठी, मुंगे की अंगूठी और शनिदेव की अंगूठी आमन्नी में लाभ देगी। करके तो देखिएगा, जीवन साथी के साथ झगड़े आ रहे हैं तो बुद्ध देवता की अंगूठी भी आपको लाभ देगी, जीवन साथी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार प्रॉपर उपाय करिए। आधे अधूरे उपाय आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पूरे उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देते हैं। यहां पर बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो अपने प्रेम संबंधों में अगर आप कुछ नवीन घटित होते हुए देखना चाहते हैं तो कल तक का इंतजार करिए। कल आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ विशेष खुशी प्राप्त हो सकती है तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात करूंगा आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।